और अब बात करते हैं ग्वालियर की, जहां जिले में दोस्तों ने एक दूसरे की पत्नी के साथ रेप किया। डबरा में एक दोस्त ने पति का एक्सीडेंट होने की झूठी खबर देकर उसकी पत्नी को अपनी गाड़ी पर बिठाकर ग्वालियर ले गया। रास्ते में सुनसान जगह जाकर उसके साथ रेप किया। महिला ने थाने में मामले में रेप का केस दर्ज करवा दिया, जिसके बाद आरोपी की पत्नी ने भी पति के दोस्त के खिलाफ घर में घुसकर रेप करने की एफआईआर कराई है। डबरा में रहने वाली 28 साल की महिला ने पुलिस को बताया कि 16 मई को वो घर पर अकेली थी। पति का दोस्त अपने एक साथी के साथ घर पर आया और कहा कि पति का एक्सीडेंट हो गया है, तुरंत चलो। वो घायल है और अस्पताल में भर्ती है। मैं दोनों के साथ अस्पताल जाने के लिए बाइक पर निकल गई। दोनों ने सिमरिया टेकरी पर बाइक रोकी और सुनसान जगह ले जाकर पहले दोस्त ने रेप किया और उसके बाद उसके साथी कल्ला ने भी रेप करना चाहा, लेकिन शोर मचाने पर कुछ लोग आ गए और आरोपी वहां से भाग निकले। युवती का कहना है कि पहले तो मैं बदनामी के डर से चुप रही, लेकिन आरोपी ब्लैकमेल करके फिर से रिलेशन बनाने को कह रहे हैं, जिसके बाद डबरा थाने में मामले की शिकायत दर्ज कराई है। वहीं रेप के आरोपी की पत्नी ने भी पति के दोस्त पर ये रेप का केस दर्ज कराया है। उसने बताया कि 29 मई को जब वो घर पे अकेली थी तो आरोपी घर में घुसकर उसके साथ रेप किया और उसके न्यूड फोटोज भी ले लिए। इन फोटो के जरिए वो उसे ब्लैकमेल करके कई बार रेप कर चुका है। राजवाटिका विवाह घर, सर्व सुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत, राजवाटिका विवाह घर में एंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, जूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।